अंशु शर्मा आईवीएन 24 से। आज हमारी टीम शहडोल लोकसभा क्षेत्र के बिरसिंहपुरपाली में मतदान केंद्र 248 पर है। मैं यहाँ आप देख रहे हैं बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करूंगा कि उनके मन में क्या है। सुबह से यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सुने, क्या नाम है भैया आपका? बोलो ना। कितने बजे से लाइन में लगे हैं आप यहाँ पर? 6 बजे। आज किस एजेंडे को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर वोट करने आए हैं? वोट किसे डालने आए? वोट किस मुद्दे को ले आए? ये नहीं, हम आपसे ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप किस पार्टी को वोट देना। हम ये आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका विकास का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर वोट करने आए हैं? क्या बताएं? मैं भी उनसे जानने की कोशिश करूंगा कितने समय से वो यहाँ पर आई हैं और क्या मुद्दा है उनका, किस चीज को लेकर वो यहाँ पर वोट करने आए। जी, क्या नाम है आपका? जी, कितने बजे से आप कतार पे लगी हैं? 7 बजे सुबह से आप यहाँ पर आ गई थी। देख पा रहे हैं 7 बजे से यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँ क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे वोट करने आए हैं। क्या मुद्दा होगा आपका वोट के लिए, किस मुद्दे को लेकर वोट करने आए हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ विकास, क्या मुद्दा होगा आपका? विकास, विकास, विकास के एजेंडे को लेकर आज यहाँ पर ये लोग वोट करने हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा। माता जी यहाँ पर है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कितने बजे से लगी हैं आप कतार में माता जी? 8 बजे से आई हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्साह है लोगों के अंदर, आज अपना मतदान करने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माता जी, क्या मुद्दा होगा विकास को लेकर आपका? जी, विकास का मुद्दा लेकर आप, विकास के एजेंडे से लेकर काम करेंगे आप। जैसा कि आपके लोकसभा क्षेत्र में दोनों आपकी जो पार्टियां हैं यहाँ पर प्रमुख पार्टियां, उनमें दोनों महिला प्रत्याशी हैं, तो दोनों महिला प्रत्याशी क्या चाहती हैं उनसे, आप क्या अपेक्षा रहेगी उनसे आपकी? जी नहीं, तो आप में क्या है? जी, जी, तो यहाँ पर सभी विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो, अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास हो। टीम मतदान क्रमांक 256 बिरसिंहपुर पाली में है। हम यहाँ के मतदाता देख रहे हैं, आप लंबी कतार लगी हुई, यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करो कितने बजे से यहाँ पर वो आए हुए हैं और किन क्या मुद्दे होंगे उनको इस लोकसभा चुनाव में, किस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पर वोट करने हैं। क्या नाम है आपका? क्या मुद्दे होंगे आपके लोकसभा चुनाव? विकास, अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रहे हैं। और कितने बजे से आप कतार पे लगे? 15 बजे। मतलब क्या है, कैसा रुख देखने को मिल रहा है यहाँ पर मतदान के लिए? बढ़िया, आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मतदाता, जो मतदाता भी यहाँ पर वोट करने नहीं आए उनसे आपकी क्या अपील है? मेरी अपील यही है कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और देश के अपना हाथ सहयोग। ये थे हमारे युवा साथी जो हमारे साथ मौजूद थे, और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी, यहाँ पर पंडित जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा उनके विकास के मुद्दे क्या होंगे। जी जी पंडित जी, आपके विकास किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आज वोट करने आए हैं? अच्छा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप यहाँ पर कितने बजे से लाइन में लगे हैं? अभी आप 10-15 मिनट से आप यहाँ पर वोट करें। क्या अपील रहेगी आपकी, मतदाता जो आने वाले हैं, नए मतदाता हैं, उनसे आपकी क्या अपील होगी नए मतदाताओं से? जी, सरकार से आप किस प्रकार का विकास चाहते, क्या कुछ ऐसा आपके जहन में चल रहा है कि हमारा ये विकास हो? जिस प्रकार से इस बार जो है कि यहाँ पर दो प्रत्याशी लगभग जुझारू प्रत्याशी हैं, दोनों में कड़ी टक्कर है, उसके बाद आप घर से निकले, सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसा तो कुछ जहन में चलोगे हम कौन सी क्या चाहते, विकास के मुद्दे क्या होंगे आपके, किस प्रकार के विकास चाहते हैं? आपके कहने के मतलब जो अच्छा विकास करेगा हम उसी की सरकार चुनना चाहेंगे, विकास की सरकार चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर हमारे साथ कुछ मतदाता जुड़े हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा। आईवीएन 24 के साथ सुधांशु।